जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप दोस्तों पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको आने चाहिए। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, पुलिस संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको जानकारी भी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दोस्तों YouTube के माध्यम से नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, आप लोग को प्रॉपर जानकारी नहीं मिल रही है कि कितने बजे वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग दोस्तों विंडो क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। वहां पे आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं दोस्तों। विंडो क्लासेस ऑफिशियल सर्च करेंगे, आप लोगों को लोगों के साथ चैनल दिख जाएगा। वहां पे आप लोग जुड़े रहिएगा। वहां पे वीडियो जैसे ही अपलोड होती है वीडियो को डाल दिया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होता है, PDF होता है, सभी चीज़ दोस्तों आपको विंडो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, CGPSC के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, गृह सचिव। अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों, क्या नाम है नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के किस जेल को औद्योगिक जेल का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ए सेंट्रल जेल दुर्ग, बी सेंट्रल जेल रायपुर, सी सेंट्रल जेल जगदलपुर, या फिर डी सेंट्रल जेल बिलासपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल जेल जगदलपुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, परित्रय नाय साधु नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के फिंगरप्रिंट ब्यूरो मुख्यालय कहाँ स्थित है? भिलाई में है, रायपुर में है, कोरबा में है, या फिर बिलासपुर में है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, रायपुर। आपका अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विंडो क्लासेस के तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 MCQs का, इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इसी बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है इस ई बुक को, ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। CG व्यापम है, PSC है, वर रक्षक भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, बट स्पेशली जो करेंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं, प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इसी बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है, और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचे हैं तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिविजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसी बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इसी बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इसी बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसी बुक को डाउनलोड कीजिएगा, मात्र आप 40 रुपये में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपये खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस महापुरुष की जयंती पर
कैदियों की सजा में माफी देकर रिहा किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, गुरु घासीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ स्थित थी? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, मझगांव। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, अभी बेमेतरा में, ठीक है, बेमेतरा में प्रस्तावित है। कहाँ पे? बेमेतरा में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के पुलिस अधिकारी छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, महानिरीक्षक, महानिदेशक, पुलिस आयुक्त या फिर पुलिस अधीक्षक। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लिए, उसके बाद आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एवं 4। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देखेंगे अल्फाबेट ऊपर नीचे हो गया है, बी और सी। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान नहीं देंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1, 2 एवं 4 कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सी ऑप्शन हमने टिक किए थे। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या दिया गया था, 1, 2 एवं 4। ठीक है, महानिरीक्षक है, महानिदेशक है, पुलिस अधीक्षक है, पुलिस आयुक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है और आप लोगों की जानकारी के लिए भी होनी चाहिए, पुलिस आयुक्त छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री मोहन शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस से संबंधित है। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, माना व राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक है कौन है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, श्री अशोक जुनेजा। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होनी चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निष्काम सेवा आदर्श वाक्य छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग का है? आर्मी का है, नगर सेना का है, रेलवे पुलिस का है या राज्य पुलिस का है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, नगर सेना। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? होमगार्ड है, जेल विभाग है, पुलिस विभाग है या फिर परिवहन विभाग है? कौन सा है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, परिवहन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस वाहन का कोड नंबर क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, CG01, CG02, CG03 या फिर CG04। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, CG03। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, पुलिस वाहन का नंबर होता है CG03। अगर हम दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो ए ऑप्शन देखिए दोस्तों, CG01 किनके लिए होता है? राज्यपाल, राज्यपाल के लिए होता है CG01। अगर हम 2 की बात करें तो 2 किनके लिए होता है? शासकीय, ठीक है दोस्तों, शासकीय वाहन के लिए। और CG04 किनके लिए होता है? जनता के लिए। दोबारा बता देता हूँ, CG03 पुलिस वाहन का नंबर होता है, CG01 राज्यपाल के लिए होता है, CG02 शासकीय वाहन के लिए होता है और CG04 जनता के लिए होता है। क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पुलिस बल की लाठी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, 4 प्रकार है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार। कौन कौन सा नाम है दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ के पुलिस दूरसंचार के 2 जोन कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, भिलाई और बिलासपुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कितने सेंट्रल जेल है? 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए,
कौन कौन सा है देख लेते हैं। सेंट्रल जेल दुर्ग है, सेंट्रल जेल रायपुर है, सेंट्रल जेल अंबिकापुर है, सेंट्रल जेल जगदलपुर है और सेंट्रल जेल बिलासपुर है। ठीक है दोस्तों, टोटल 5 है, आप लोगों को याद रखना है। दुर्ग, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और बिलासपुर। क्लियर है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य की सबसे बड़ी कैदी क्षमता वाली जेल है कौन सा है दोस्तों? नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल जेल रायपुर। आपका अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बस्तर में है, कोरबा में है, बिलासपुर में है या फिर चंदखुरी में है? तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, रायपुर चंदखुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आगे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 और 2। ठीक है, स्टाफ अभिकरण और लाइन अभिकरण। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस प्रशिक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, भिलाई दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? मुंगेली में है, कोरबा में है, कांकेर में है या फिर बिलासपुर में है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांकेर। आपका अगला क्वेश्चन, परित्राण नायर साधु नाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।